एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी लेक्चर्स बाय रजनी गोस्वामी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। इन द टू प्रीवियस वीडियोस हमने सेल इंजरी से रिलेटेड ही टॉपिक की बात की थी, और आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही फटाफट तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से थियोरेटिकल पार्ट है, बट अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो तो आप पेपर में आराम से लिख के आ जाओगे। ठीक है, पहले ये समझो कि व्हाट इज पैथोजेनेसिस। पैथो मीन्स सफरिंग एंड जेसिस मीन्स का फॉर्मेशन होना। तो सेल इंजरी का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। अब सेल इंजरी दो तरीके की होती है, जैसे कि आपने पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इंजरी है या इरिवर्सिबल इंजरी है, ये डिपेंड करती है होस्ट पर और जो कॉजेटिव एजेंट है उस पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स पर्टेनिंग टू इटियोलॉजिक एजेंट एंड होस्ट। तो दो चीज़ों पर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। इटियोलॉजिक एजेंट का क्या मतलब है, अब किस तरीके का एजेंट है, मतलब जो बीमारी कॉज करने वाला है, जो सफरिंग कॉज कर रहा है वो किस तरीके का है, उसका टाइप, कब से कर रहा है, उसका ड्यूरेशन एंड उसकी सीवियरिटी। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं इंजुरियस एजेंट की, एंड टाइप, स्टेटस एंड अडेप्टबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। किस तरीके का टाइप है सेल का जो झेलने वाली है उस स्ट्रेस को। स्टेटस क्या है, अभी वो कैसी है, मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है सेल की, एंड उसकी अडेप्टबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका एग्जांपल पढ़ो जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। द टाइप ऑफ सेल एज रिगार्ड इट्स ससेप्टिबिलिटी टू इंजरी, इट्स न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक स्टेटस एंड अडेप्टेशन ऑफ द सेल टू हॉस्टाइल इन्वायरमेंट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ सेल इंजरी। तो यहाँ पर इन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, स्केल्टन मसल कैन विदस्टैंड हाइपोक्सिक इंजरी फॉर लॉन्ग टाइम, वाइल कार्डियक मसल सफर इरिवर्सिबल इंजरी आफ्टर पर्सिस्टेंट इस्कीमिया ड्यू टू टोटल कोरोनरी ऑक्युलेशन मोर देन 20 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर बात ये समझो कि इन्होंने कहा है कि अगर स्केल्टन मसल के साथ ऐसा हो रहा है कि उसको इस्कीमिक कंडीशन में चली गई तो वह लंबे टाइम तक झेल सकते हैं। ठीक है, बट अगर कार्डियक मसल के साथ ऐसा हुआ कि उसको इस्कीमिक कंडीशन में चली गई तो कार्डियक मसल इरिवर्सिबल इंजरी चली जाएगी। ठीक है, जबकि हमारी स्केल्टन मसल्स ओनली रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएंगी। तो यहाँ पर आई थिंक आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कॉमन अंडरलाइन मैकेनिज्म क्या क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज डिस्टर्बिंग द मेटाबॉलिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन चेंजेस रिफ्यूज ऑफ, बेसिकली क्या होता है, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो उसको छोड़ते चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, सेल इंजरी होगी तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है, दिखने में चेंजेस आएंगे, जैसे कि तुम्हें 3-4 वर्डिंग्स याद रखनी है, जैसे कि हाइड्रोपिक स्वेलिंग। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें यहाँ पर यह समझना है इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है। तो इस लाइन को एक बार हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर लाइन क्या दी हुई है। द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी दैट इज हाइड्रोपिक स्वेलिंग अपीयर अर्लियर व्हाइल लेटर मॉर्फोलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ सेल डेथ आर सीन दैट इज इन द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो ये समझो सेल इंजरी हुई तो उसकी पैथोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस पर डिपेंड करेगा, होस्ट पर, इटियोलॉजिक एजेंट पर। उसके बाद फ्री रेडिकल्स बनेंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, फोर्थ जो सेल इंजरी का एक अल्टीमेट रिजल्ट पहुंचेगा कि भाई फंक्शनल इम्प्लिकेशन, मतलब कि फंक्शनली प्रॉपर काम नहीं होगा, फिजियोलॉजी थोड़ी बिगड़ चुकी होगी, एंड डिसीज आउटकम, और यहाँ पर अब क्या बन जाएगी, डिसीज। सो इवेंचुअली सेल इंजरी अफेक्ट सेलुलर फंक्शन एडवर्सली विच हैज़ बियरिंग ऑन द बॉडी, कॉन्सिक्वेंटली क्लिनिकल फीचर इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स एंड साइन वुड अपेयर। द इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, यहाँ पर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे हम इस्कीमिया, एंड इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू दैट इज हाइपोक्सिया आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इंजरी इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझाया गया कि वॉट इज द पैथोजेनेसिस। आई थिंक समझ में आया होगा तुमको, मैंने इसको 4 हेडिंग में यहाँ पर समझाया। पहला, सेल इंजरी में क्या इंपॉर्टेंट है, जो सेल इंजरी को कॉज करने वाला है और जो झेलने वाला है। दूसरा, जो चेंजेस आएंगे सेल के अंदर, ठीक है, अंदर एक अंदर चेंजेस आएंगे, एक बाहर चेंजेस आएंगे, जिसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एंड फाइनली फंक्शनल इम्प्लिकेशन हो जाएगा और डिसीज बन जाएगी। ठीक है,
सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अबाउट दी पैथोजेनेसिस ऑफ इश्केमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी की. गाइज अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल गोना स्टॉप दिस टाइप ऑफ सेशंस. मैं आपको किसी और तरीके से पढ़ाने का स्टार्ट कर दूँगी, बट मेरे लिए काफ़ी ईजी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा. आप बुक भी सस्त पढ़ रहे हो और आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं. सो प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, योर कॉमेंट रियली मीन अ लॉट फॉर मी. सो please do it.